वेलकम स्टूडेंट्स, लाइव सेशन में आपका स्वागत है। हमने अभी तक, वैसे मैंने काफी वीडियोस बना दी हैं इसके ऊपर, ज्योग्राफी वैसे ही एनटी और एलाइड यूपीएससी और एचपीएस एग्जाम के लिए बेसिकली। तो हमने एक टॉपिक डिस्कस किया कि केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। सो इसमें दो रिवर हैं, केन और बेतवा, जिनको आपस में इंटरलिंक किया जा रहा है। बेसिकली बुंदेलखंड जो इलाका है वो काफी प्रोन है ड्राउट्स के लिए, सूखे के लिए। तो हर साल यहाँ पे बहुत सूखा पड़ता है, जिस कारण इस इलाके में भुखमरी वाला हाल हो जाता है। तो ताकि अब ये हालात पैदा ना हो, उसके लिए जो केन रिवर है वहां से एक बेतवा की कैनल बनाई गई, तरह से पानी का रास्ता, इन दोनों रिवर को आपस में इंटरलिंक किया जाएगा, ताकि बुंदेलखंड के रास्ते केन से पानी लिया जाए और फिर बेतवा तक जोड़ दिया जाए उसको। सो केन से पानी उठाया जाएगा, बेतवा में डाल दिया जाएगा। मैंने बात की इसमें, और फिर मैंने ये कहा कि केन और बेतवा दो रिवर्स हैं जो ओरिजिनेट होती हैं मध्य प्रदेश से। कई बार छोटे एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि केन और बेतवा जो दो रिवर हैं निकलती कहां से हैं, मध्य प्रदेश से निकलती हैं और जाती हैं फिर उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। सो ट्रिब्यूटरी हुई है, ट्रिब्यूटरी में सहायक नदियां दैट इज यमुना के मिलती है इसमें और फिर यूपी के अंदर ही ऐसा। तो ये सारी बातें मैंने कही, मैं काफी डिटेलिंग की मैंने इस इशू के अंदर। यूट्यूब पे आप जाएंगे तो आपको सारी बातें मिल जाती है। इसमें कोई 30-40 मिनट लगाए मैंने इस इशू के अंदर डिस्कस करने के लिए, कि एनवायरमेंटल हैजर्ड्स क्या है इसके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पन्ना टाइगर रिजर्व मीन जो टाइगर उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए उनके लिए एक स्पेशल एरिया क्रिएट किया गया है, नाम उसका टाइगर रिजर्व बोलते हैं। सो टाइगर रिजर्व पन्ना, और ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। और कौन सी नदी है जो पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर निकलती है, नाम उसका है केन। ये क्वेश्चन एचएएस में कई बार आ चुका है, यूपीएससी में भी कई बार आ चुका है कि पन्ना टाइगर रिजर्व या कोई भी टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क से रिवर गुजरती है, उन रिवर से पक्का सवाल बनता है। सो ये पन्ना टाइगर जो रिजर्व है यहां से रिवर निकलती है, नाम उसका केन है। बाकी बातें तो मैंने लिख दी है इसके ऊपर, तो आई थिंक इट इज वेरी मच अंडरस्टूड। कोई डाउट होगी तो आप यूट्यूब में जाइएगा, वहां कमेंट करिए, कमेंट के बाद आपको मैं उसका सोल्यूशन जो है किसी भी तरीके से पहुंचा दूंगा उसका। आज हम चलते हैं मल्लेपुर मुल्ला परीर डैम की बात करेंगे। सब इसको मिटा रहा हूं, और ये टॉपिक ज्योग्राफी के करंट इश्यूज हमने लिए हैं, ज्योग्राफी के करंट इश्यूज एक साल के अंदर। ऐसे कुछ टॉपिक्स जो न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन में कवर हुए और जिनका संबंध है ज्योग्राफी के साथ, जो ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं बुक्स के अंदर, वो ज्योग्राफी का एडिशन 2-3 साल ओल्ड होता ही होता है, तो उसमें करंट इश्यूज नहीं दिए होते हैं जो न्यूज में रहे हैं ऑब्वियसली, तो उनका डिस्कशन हम अभी कर रहे हैं इसके अंदर। तो एक साल के करंट इश्यूज जो ज्योग्राफी से लिंक्ड है हम उसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है ज्योग्राफी ईयरली इश्यूज, तो मैं इसमें डालता हूं और नेक्स्ट टॉपिक पिकअप करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मुल्ला परीर डैम MULLAPAYAR मुल्लेपुर डैम। डैम तो जानते हैं कैसी होती है, डैम को कई बार हम कहते हैं रिजर्वॉयर, पानी को हम रोकते हैं, रिजर्वॉयर बनाते हैं। और रिजर्वॉयर के दो पर्पसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए पानी आ रहा है नदी है कोई, मान लीजिए आपने इसको रोक दिया, ये डैम बना दिया आपने, सो पानी यहां पर रुक चुका है, सपोज करें। इसका पर्पस क्या है, दो पर्पसेस होते हैं, एक है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, टू प्रोड्यूस। हिमाचल प्रदेश में काफी है ऐसे डैम, और दूसरा काम होता है इरिगेशन, सिंचाई के लिए, और भी कई है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मगर ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना और इरिगेशन। और हम प्लांट कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, मैंने जो पानी से बनाते बिजली हम उन प्लांट को कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट। अब प्लांट मतलब बहुत, जैसे पौधा जो होता है ना लगाते हैं आप, तो कुछ पैदा करता है वो, वैसे प्लांट पैदा करेगा, क्या पैदा करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बाय वाटर। पानी दिया आपने, पानी
टर्बाइन घुमाएगा, टर्बाइन से होगा जनरेटर, जनरेटर घूमेगा तो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी। एक छोटा सा मैंने प्रिंसिपल आपको बताया इसका। मुल्लापनीर डैम कहां पे हम इसकी बात करेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं, इनको नोट करिए आप और डिफरेंट पेन से मार कीजिए तो ज्योग्राफी के नोट्स ठीक बनेंगे। मुल्लापनीर डैम भी है कहां पे, आप भी ऐसे किसी लिखिए और तो ऐसा लिखना हमने यहां पे एरो लगा के कि जो डैम है ये है केरल के अंदर, केरला, केरल में ये डैम है, मगर इससे ऑपरेट करवा रहा है आंध्र प्रदेश, माने आंध्र प्रदेश एपी के कंट्रोल में है, जिनके जो है मेन्स लिखना है तो लिखेगा इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आंध्र प्रदेश, सॉरी तमिलनाडु। सो तमिलनाडु के कंट्रोल में है ये डैम, पर है कहां पे, केरल के अंदर। तो फिलहाल हमने ये सीखा कि डैम होता क्या है, उसके पर्पसेस क्या है, ये है कहां पे मुल्लापनीर डैम केरला के अंदर में, इसको कंट्रोल करता है तमिलनाडु, सारी बातें जानते हैं किस पर्सपेक्टिव से, नायब तहसीलदार और एचपीएस एंड यूपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जानते हैं क्या चीज है सर। तो फटाफट से हम बनाते हैं इंडिया का मैप। सो बनाइए इंडिया का मैप, लग जाइए और साफ तरीके से बना दीजिए। तो बहरहाल जी आप चाहते हैं कि ये हो गया हमारा केरल और ये हो गया सर्फ को, तमिलनाडु ये केरल है। अब मैं पेन करूंगा चेंज और जो डैम है ये इधर है इस पॉइंट पे और डैम है मुल्लापनीर डैम है केरल के अंदर पर इसको ऑपरेट करता है तमिलनाडु, है केरल के अंदर। अब फटाफट से इसमें कुछ की पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो जैसे मैं लिखता हूं वैसा आप लिखिए, नोट्स ठीक से बनने चाहिए क्योंकि आप लोग पढ़ लेते हैं मगर नोट्स ठीक नहीं होते, फिर बाद में क्या होता है कि आप रिवाइज प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। सो की पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर मुख्य बिंदु, इस मुख्य बिंदु क्या होंगे। सो पहला मुख्य बिंदु मेरा ये रहेगा इसमें कि ये लीज पे है, इट इज अंडर तमिलनाडु, ये तमिलनाडु के अंडर है और 999 साल की लीज पे, लीज है, लीज कैसी होती है, लीज मतलब कंट्रोल देना किसी पे। संभाल लीजिए मैंने किसी पर्सन से एक 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर की लैंड ले ली लीज के ऊपर, लीज मतलब कि कुछ सालों के लिए मालिकाना हक मेरा उस पर रहेगा, मैं उसको कैसे भी इस्तेमाल कर सकता हूं, वो लीज पे गई है। तो 999 साल की लीज पे है ये डैम तमिलनाडु के पास, है कहां पे, केरल के अंदर। कई बार यूपीएससी और एचपीएससी का प्रश्न ऐसे बने हैं कि मुल्लापनीर डैम जो है वो है कहां पे, सो है तो केरल के अंदर पर वो है किसके पास, तमिलनाडु के पास। एग्जाम्पल देता हूं आपको, जो ये भाखड़ा नंगल डैम है, भाखड़ा नंगल डैम है किसके अंदर, जो रिजर्वायर है हिमाचल में है, जो नंगल वाला एरिया है वो ऊना और थोड़ा पंजाब के अंदर पड़ता है, पर इसके ऊपर जो पार्टनरशिप है वो किस किसके है, हिमाचल की है, पंजाब की है, हरियाणा की और इवन राजस्थान की भी है। तो विच मीन्स ये 4 स्टेट्स की पार्टिसिपेशन है कंट्रोल इसके ऊपर, जो बिजली वहां से पैदा की जाएगी
जैसे उनका उनका जो शेयरिंग है वो चार स्टेट्स के पास है, चार स्टेट का इसके ऊपर कंट्रोल है। दूसरी बात कि जो रिजर्वॉयर है गोविंद सागर लेक, जो रिजर्वॉयर है वहां से पानी जो है कहां पहुंचाया जाता है, राजस्थान के अंदर, तो उसका पानी यूज करेगा राजस्थान, है कहां पे, हिमाचल में। तो बात समझिए, इस देश के अंदर कई बार रिजर्वॉयर डैम या हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट, ये कोई भी पावर प्लांट किसी भी देश प्रदेश में होते हुए भी दूसरे प्रदेश के ऊपर, दूसरे प्रदेश उसको कंट्रोल कर सकते हैं किसी ट्यूटी के तहत, कोई एग्रीमेंट किया होता है। हम बात करते हैं इसके अंदर, तो इसमें एक और छोटी सी बात है इसमें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये 1895 में बनाया गया, इसको 1895 में बनाया जाता है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मगर उस जिसमें बनाया गया था ये, तो ये महाराजा ऑफ ट्रावेंको स्टेट रियासत थी अंग्रेजों से पहले, सो उन्होंने ये बनाया था। ऑलराइट, अब इसमें कोई खास चीज नहीं है जो मैंने बात बता दिया आपको, सफिशिएंट है। मगर इसमें अभी इशू क्यों बना, न्यूज में इशू क्यों रहा है, वो इसलिए रहा कि जो तमिलनाडु है जो इस डैम को कंट्रोल करता है, उसने कहा कि हम चाहते हैं कि जो डैम का रिजर्वॉयर के अंदर जो पानी है उसका लेवल बढ़ाया जाए, मगर केरल की सरकार ये होने नहीं दे रही है। केरल की सरकार का मानना है कि डैम का लेवल बढ़ेगा तो जो डैम के आसपास का कैचमेंट एरिया होता है उनको नुकसान पहुंचेगा, उससे स्वाभाविक है, जगहें डूबती हैं, एरिगेशन एग्रीकल्चर की जमीन डूबती है, और आप जानते हैं कि जो केरल वाला जो एरिया है ये काफी प्रोन है, प्रोन मतलब काफी इसमें हो सकते हैं चांसेस हैं अर्थक्वेक के। तो ऐसी कई रिपोर्ट बताती है कि अगर पानी का लेवल वहां बढ़ा दिया जाए और अर्थक्वेक हो जाए अब 6 रिक्टर स्केल का, तो उस एरिया के अंदर काफी लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए केरल की सरकार ये अलाव नहीं कर रही कि उसके अंदर जो पानी का लेवल है वो ऊपर उठाया जाए। और तमिलनाडु की सरकार कह रही है कि भाई जो उसके प्रदेश के जो लोग हैं उनको सिंचाई के लिए पानी कम मिल रहा है, तो ये चाहते हैं कि जिसमें मॉनसून होती है, बारिश होती है, तो पानी काफी स्टोर कर लिया जाए ताकि सिंचाई के लिए बाद में उसका इस्तेमाल किया जाए, मगर केरल की सरकार पानी के लेवल को ऊपर अप या उसको इंक्रीज होने से बिल्कुल अपोज कर रही है। तो ये बात यहां से जो इंपॉर्टेंटली जानना आपके लिए जरूरी था। चलिए, और भी कई इश्यूज हैं, मैं चाहूंगा कि सर आप आगे डिस्कस करें। तो मैं काफी देर से वैसे ये वीडियो बना रहा हूं और मैंने काफी इश्यूज डिस्कस किए हैं ज्योग्राफी के, एंड बनी सर अब आप की क्लास लेंगे ज्योग्राफी की, सॉरी इंग्लिश आई थिंक ग्रामर की, तो डिस्कस करेंगे। मगर ये सारा जो कंटेंट मैंने 2-3 घंटे में जो बनाया हुआ है उसकी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो जो भी HPS और NT के स्टूडेंट्स हैं यूट्यूब पे जाके आई थिंक कल तक आपको मैं वो दे दूंगा, सारी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, तो पूरा ही इशू 5-6 घंटे का बनेगा, वो सारे उसके अंदर कम से कम 1 मार्क्स आपका पक्का बने प्रीलिम्स में, ये फोकस रहेगा, मिनिमम 1 बने एंड 2-3 भी बन सकते हैं जितना इशू हम कवर करने वाले हैं इसके अंदर। सो वेल, ओवर टू यू सर, आप इसको टेक ओवर कर लीजिए और हम कल बढ़ेंगे यहां से आगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिवाना IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के ईयरली इश्यूज, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से जो पूरे 1 साल के अंदर अभी तक जो कवर हुए हैं 2021 में, हम उन इश्यूज को कवर करेंगे। और आप जानते हैं कि हमारा फोकस इसमें रहेगा कि HPS एग्जाम और नायब तहसीलदार एंड एलाइट, इन तीन एग्जाम के ऊपर फोकस होगा, और ज्यादातर प्री लेवल पे, प्रिलिमिनरी लेवल पे मैं फोकस करूंगा। तो फटाफट से नोट्स बनाइए, पेन कॉपी लीजिए, 3 पकड़िए पेन और 1 हाइलाइटर, और फटाफट से नोट्स बनाना चालू करिए। मेरा पहला इशू है, मैं इसको मिटा रहा हूं।
तो पहला इश्यू है हमारे पास, इश्यू नंबर वन ऑफ टुडे, फर्स्ट इश्यू है पानी। फर्स्ट इश्यू है केन बेटवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। लिखो पेन से, अब पेन चेंज करिए फटाफट से, ये बात लिख के पेन आपने चेंज करना है। और यह हम बात करें, एक रिवर है केन, दूसरी बेटवा, दो रिवर्स है, उनको इंटरलिंक करने की बात की गई है। इंटरलिंक करने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए रिवर ये आ रही है, दूसरी रिवर सपोज इधर से यूं जा रही है, मान लीजिए किसी एक एरिया में बहुत ज्यादा पड़ता है सूखा, सूखा समझते हैं ड्राउट पड़ता है, तो उस एरिया की सिंचाई के लिए अगर दोनों रिवर से पानी यहां को ला दिया जाए तो इस एरिया का सूखापन खत्म हो सकता है। उसी पर्पज से केन बेटवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। कई लोग कहते हैं कि ये ठीक चीज नहीं है, एनवायरमेंटलिस्ट बोलते हैं कि भाई रिवर से पानी का, पानी को जो चैनल है उसका आप चेंज करोगे सर्फ को, स्वाभाविक इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स वहां से आएंगे। मगर खैर सता करने जा रहे हैं इसको, कि उनका इश्यू है कि जो जिस एरिया में ड्राउट है, जिस एरिया में सूखा है, उस एरिया में हमने एग्रीकल्चर के लिए पानी पहुंचाना है। सो ये अपने आप में फर्स्ट जो है वो प्रोजेक्ट है, मैं इसमें बताता हूं पहले। आइए बात करते हैं पहले, सबसे पहले आपने एक इंडिया का मैप बनाना है, इंडिया का मैप बनाइए। जैसे बनता है वैसा बनाइए एक मैप। अब आपको मैं थोड़ी सी इसमें एक बात करूं, तो फ्रेंड्स एक एरिया है, ये मैं एक पॉइंट बताता हूं, ये एक एरिया है और आप भी बनाइए ऐसे ही। ये एरिया है, नाम इसका है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड फेमस है सूखे के लिए, बहुत सूखा पड़ता है वहां पे, बहुत सूखा पड़ता है, बुरे हाल है लोगों के, वहां पे कैसे सरवाइव करते हैं वही जानते होंगे। अब ये जो बुंदेलखंड पड़ता है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में, मगर बॉर्डर में है ये मध्य प्रदेश के, ये मध्य प्रदेश के बॉर्डर में पड़ता है ये जो एरिया। अब सरकार ने प्लान किया है कि हमें इस एरिया में जहां पड़ता है सूखा वहां पे पानी पहुंचाना है, क्योंकि उस बुंदेलखंड से आसपास में कोई नदी पास नहीं करती है जिससे सिंचाई की जा सके, तो सूखा पड़ता है तो काफी दिक्कतें वहां आती हैं। तो सिंचाई के लिए बेसिकली, इरिगेशन के लिए बेसिकली एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है, हम उसकी बात करेंगे। तो फटाफट से अब मैं यहां बनाता हूं मैप बुंदेलखंड का, तो हम बुंदेलखंड का मैप बनाएंगे, फटाफट से इसमें ये डिस्कस करेंगे। लाइट बनाइए, फटाफट से बनाइए मैप इसका, और कोशिश करिए कि ठीक ठाक बना पाए आप भी। तो जो ये इलाका है यहां से लेके, मैं थोड़ा बना देता हूं इसको ऐसे ऐसे, वैसे ही बॉर्डर दोनों पड़ता है, यूपी में भी है और थोड़ा मध्य प्रदेश में भी है। बुंदेलखंड एक समय पे एक रियासत थी, एक समय पे जो बिल्कुल बॉर्डर एरिया है मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का, होंगे ज्यादातर ये यूं कहें कि बुंदेलखंड यूपी का इलाका हुआ। सो ये है बुंदेलखंड, ये है दो नदियां हैं, बिल्कुल डिट्टो बनाना आप लोग, क्योंकि मेंस के लिए भी आपको जरूरी है कि ये डायग्राम बनाना आपको आनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। एक नदी है
नाम उसका बेटपा। इनमें बिहार से दो नदियां, ये है जी नदी का नाम इसका बेटपा और यह केन नदी, केन बेटवा। अब इन दोनों नदियों को आपस में लिंक किया गया है। मैं पेंचेज करता हूं, लिंक मतलब ये बुंदेलखंड का बहुत सूखा पड़ता है, यहां पे पानी हमने यहां पहुंचाना है, तो हमने ये जो पॉइंट है यहां से इस तरफ को यहां से होते हुए ये दो पॉइंट कर लीजिए। ये जो पूरा रास्ता है ये 220 किलोमीटर का होगा, मैंने केन का नदी जो है बेटवा में डाला जाएगा बुंदेलखंड के रास्ते, केन नदी से पानी लिया जाएगा बुंदेलखंड के रास्ते और ये डाल जाएगा बेटवा के अंदर। मैंने जैसे जो यूज कर लिया यूज कर लिया, जो रह गया वो जाने दिया आगे बेटवा में। सो बेसिकली केन नदी का जो सरप्लस पानी होगा, सरप्लस जो पानी होगा उसको बेटवा नदी में मिलाया जाएगा बुंदेलखंड के रास्ते, ताकि वहां पे सिंचाई की जो समस्या उनका उनसे छुटकारा पाया जा सके। ऑलराइट, अब फटाफट से कुछ चीजें लिखूंगा। ये जगह है नाम इसका पन्ना, पी ए पन्ना। ये जगह है सागर, दोनों मध्य प्रदेश की, पन्ना भी और सागर भी। ये हो गया। अब कुछ से टीकमगढ़ है या ललितपुर है, यहां पे टीकमगढ़ और ये हो गया ललितपुर, ये दो प्लेसेस टीकमगढ़ और ललितपुर। ये हो गए, ये होगा पन्ना और ये बेटवा रिवर, और यहां से इस तरफ को ये पन्ना जो डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली यहां से रिवर इस तरफ जाएगी बुंदेलखंड को। आगे हम जाएं इसमें डिस्कस करें तो झांसी और फिर हमीरपुर, ये है जगह बंदा, ये है झांसी, झांसी की रानी वाला वही और हमीरपुर, ये वाला एरिया है हमीरपुर, एक हिमाचल का भी और एक यूपी में भी हमीरपुर। अभी दोनों नदी मिलती कहां पे, ये दोनों नदियां जैसे यहां पे आ रही है यमुना नदी, नदी का नाम यमुना, तो केन और बेटवा दोनों नदियां मिलकर कहां पड़ती हैं, यमुना के अंदर। तो बेसिकली केन और बेटवा ये हुई दोनों ट्रिब्यूटरीज, टी आर आई बी यू टी आर, ट्रिब्यूटरीज माने सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। और ट्रिब्यूटरी का मतलब समझते हैं आप लोग, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियां। ट्रिब्यूटरीज मीन्स सहायक नदी। अब इसके बारे में थोड़ी सी मैं बातें लिखूंगा और इसको चलता करूंगा यहां से। कुछ मुख्य तथ्य, मुख्य तथ्य इसके बारे में, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है केन बेटवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, इंडिया का पहला रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। तो फर्स्ट इंटर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, फर्स्ट रिवर इंटरलिंकिंग, ये इंडिया का पहला है इंटरलिंकिंग, नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है। दूसरी बात ये है कि इसका मेन पर्पस क्या है, इरिगेशन, पूरा लिखना आप, इट्स मेन पर्पस पूरा लिखेगा, इट्स मेन पर्पस इज इरिगेशन इन बुंदेलखंड एरिया, बुंदेलखंड जो पड़ता है यूपी के अंदर, उस एरिया में इरिगेशन करवाना, क्योंकि वहां काफी सूखा पड़ता है और हर साल भुखमरी बुरे हाल। इवन कई बार ऐसा पाया गया है कि किसी चैनल ने दिखाया कि लोग घास की रोटियां खा रहे हैं, बना के घास की सब्जी खा रहे हैं, तो दिस वाज वेरी बैड। थर्ड पॉइंट यहां से है कि दोनों रिवर जो है केन और बेटवा, दोनों जो रिवर है वो निकलती है मध्य प्रदेश से, ओरिजिनेट फ्रॉम मध्य प्रदेश, ओरिजिनेट फ्रॉम मध्य प्रदेश, एमपी से ओरिजिनेट होती है दोनों, ये मध्य प्रदेश वाला इलाका है,
यहां से और मिलती है यूपी में जाके, और इलाका है वो हमीरपुर का, तो ये दोनों जाके मिल देता हूं यहां पे, ये मिलती है। आप लिखिए पूरा ठीक है इसको, ये नहीं कि शॉर्ट में से मैं लिख रहा हूं आपने, हाँ ठीक है ये भी तरीका ठीक है, मगर फिर आपको पूरी बातें याद होनी चाहिए, ये ना हो कि आपने शॉर्ट में लिखा और फिर बाद में रिवाइज करते टाइम पे आप भूल गए सारी चीजें। ये हमीरपुर मिलती है, और हमीरपुर जो यूपी का इलाका है, हमीरपुर यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां मिलती है, और रिवर है यमुना, तो यमुना में जाके बेसिकली मिल जाती है। मेरे ख्याल से 4-5 पॉइंट इसमें ठीक थे रेलेवेंट, तो मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा आपको प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से बता दूं, क्योंकि कई बार मेंस में आपसे पूछ लेते हैं कि जैसे रिवर इंटरलिंकिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके बारे में कुछ बातें कीजिए आप, और अगर आपने इसके बारे में कुछ 150 वर्ड्स लिखने हैं तो कुछ बातें आपके पास यहां से होनी चाहिए। अच्छा, इसके एनवायरमेंट के ऊपर क्या नुकसान है, एनवायरमेंट की हम बात करें, एनवायरमेंट पे इसका क्या असर पड़ेगा, स्वाभाविक है पड़ेगा सर, जब नदी का पानी यहां से हटा के सिर्फ ले जाओगे, बेशक कुछ ही पानी क्यों ना हो, दिक्कत है क्योंकि पन्ना जो एक टाइगर रिजर्व है यहां पे, ये पन्ना टाइगर रिजर्व है, कई बार एग्जाम के अंदर आया है कि पन्ना टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व मतलब एक तरह की लैंड जो एक्सक्लूसिवली टाइगर के लिए हमने अलॉट की होती है, वहां पे उस एरिया में टाइगर के लिए एटमॉस्फेयर काफी अच्छा होता है, उनकी प्रोटेक्शन की देखभाल प्रॉपर तरीके से की जाती है, वो टाइगर रिजर्व है, तभी तो हमारे एफर्ट से टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज की है। टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व कहां पे है, उत्तर है मध्य प्रदेश, मैंने पहले से कहा है ये ललितपुर, ये सागर, ये हो गए सारे मध्य प्रदेश के एरिया है, सो बुंदेलखंड बेसिकली मध्य प्रदेश का थोड़ा बॉर्डर का एरिया, और ज्यादातर पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये पर तो ऑब्वियसली एनवायरमेंट पे क्या नुकसान होगा, क्योंकि इस एरिया में है पन्ना टाइगर रिजर्व, और पन्ना टाइगर रिजर्व से जरा पानी यहां शिफ्ट कर रहे हो तो स्वाभाविक है कि उस एरिया के अंदर एनवायरमेंटल लॉसेस तो होंगे, इकोलॉजिकल लॉसेस वहां पे होंगे, वहां पाए जाएंगे। तो दिस इज इनफ आई थिंक, आप इसको अंडरस्टैंड करिए और नोट करिए ये सारे पॉइंट्स।